व्हाट इज द WTP पैरामीटर्स, आरओ प्लांट के पैरामीटर्स क्या होते हैं, आफ्टर आरओ प्लांट, बिफोर आरओ प्लांट, आरओ प्लांट में जो मेम्ब्रेन से फीड वाटर हम इन करते हैं उसकी क्या स्पेक्स होती हैं। इंटरव्यू में भी ये बहुत ही ज़बरदस्त सवालात किए जाते हैं। जिनिंदर ठाकुर भाई ने कमेंट करके ये सवाल पूछा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द WTP पैरामीटर्स, ठीक है, इसमें हार्डनेस है, TDS है, TSS इन इंटरव्यू एंड आफ्टर RO प्लांट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। तो सबसे पहले बात करते हैं RO फीड वाटर की। RO फीड वाटर जो होता है, मतलब RO प्लांट दो सेक्शंस पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट। मतलब पहले प्री ट्रीटमेंट, जो पानी होता है उसे प्री ट्रीटमेंट की जाती है, उसमें से तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, आरओ क्या करता है, पानी के अंदर से डिजॉल्व पार्टिकल्स को रिमूव करता है। तो उसके लिए पहले क्या होता है, प्री ट्रीटमेंट सेक्शन होता है जो क्या करता है, पानी के अंदर से सस्पेंडेड साल्ट्स को रिमूव करता है, TSS टोटल सस्पेंडेड साल्ट्स को रिमूव करने के लिए प्री ट्रीटमेंट सेक्शन लगाया जाता है। प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में क्या किया जाता है, ताकि मेम्ब्रेन में पानी अच्छी क्वालिटी का जाए, मतलब TSS के हिसाब से, टोटल सस्पेंडेड साल्ट के हिसाब से वो पानी ठीक हो, ताकि मेम्ब्रेन की लाइफ ज़्यादा देर तक रहे और मेम्ब्रेन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो उसके लिए क्या होता है, क्या रिकमेंडेशन की जाती है मेम्ब्रेन के लिए, जो फीड वाटर होता है उसमें जो SDI होता है, SDI क्या है, SDI की लिमिट कितनी होती है कि मतलब मेम्ब्रेन में उसको इन करवाने के लिए, तो क्या होता है, SDI सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स, SDI सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स, वो क्या होता है, मतलब उससे हम सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स चेक करते हैं। हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे हम SDI चेक करेंगे और मेम्ब्रेन में इन होने के लिए लेस देन 3 हमारी SDI होनी चाहिए। सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स जो है वो हमारा फीड वाटर का कितना होना चाहिए, लेस देन 3। इसी तरह से क्लोरीन पानी के अंदर जब प्री ट्रीटमेंट में हम क्लोरीन ऐड करते हैं, ठीक है, किस लिए करते हैं, पानी के अंदर से जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं बैक्टीरियल कंटेमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो आगे जाके फॉलिंग वगैरह के इश्यूज ना करें। तो इसलिए प्री ट्रीटमेंट में ही हम लोग क्या करते हैं, पहले क्लोरीन डोज कर देते हैं। अब मेम्ब्रेन की मतलब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक, कुछ लिमिटेशंस हैं कि फीड वाटर इतने वाला जाए, अदरवाइज़ क्या होगा, मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम होगी, मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेशन होगी, मेम्ब्रेन जल्दी से चोक हो जाएंगे, स्केल्ड हो जाएंगे, उसके अंदर फाउलिंग हो जाएगी। तो इसलिए जो मैंने SDI आपको बताया, सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स लेस देन 3 होना चाहिए, इसी तरह से जो क्लोरीन की लिमिट है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। फीड वाटर में जो क्लोरीन की लिमिट है लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर ज़्यादा आ रही है तो फिर हम क्या करें, उसमें SMBS की हम डोज करते हैं, ठीक है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड की डोज करते हैं, या आप पीछे प्री ट्रीटमेंट सेक्शन में ही उसे थोड़ा कम कर लें, अपना जो है ना जो भी है मतलब क्लोरीन के जो लिमिट है आपने 0.5 या 0.6 मेंटेन करनी है, उस हिसाब से आपने SMBS की भी डोज करनी है ताकि वो उसको सिक्वेंज करे। मीन के मेम्ब्रेन के इन होने से पहले जो फीड वाटर है उसका SDI लेस देन 3 होना चाहिए। ये इंटरव्यू में बहुत दफ़ा ये सवालात किए जाते हैं, ठीक है, SDI क्या और SDI फीड मेम्ब्रेन में कितनी लिमिट है उसकी, तो लेस देन 3। इसी तरह से क्लोरीन की कितनी लिमिट है जी, लेस देन 1। उसके बाद क्या होता है जी, अब आफ्टर पैरामीटर, आफ्टर आरओ प्लांट, आफ्टर आरओ प्लांट क्या होता है, मतलब आपने pH चेक करना है, TDS चेक करना है, TDS उसके 2-3 आ रहे हैं, pH उसकी ठीक आ रहे हैं, अगर तो pH उसकी कम आ रही है तो आपने कास्टिक डोज करवा के उसकी जो रिकमेंडेशन pH है आपने जितनी रखी हुई है, या आप RO के जो प्रोडक्ट वाटर है, सबसे पहले तो आपने ये बताना है कि इसको आपने डोज कहाँ करवाना है, ये बॉयलर का फीड वाटर है या कूलिंग टावर का मेकअप है, या कहाँ आपने इस RO प्लांट को यूज़ करना है, तो उस हिसाब से आपने उसकी जो pH है उस तरह से मेंटेन करनी है। pH कम आ रही है, आपने सबसे पहले देखना कि हाँ pH मेरी इतनी आ रही है, तो आपने कास्टिक की डोज को कम या ज़्यादा करना है। अगर ज़्यादा आ रही है तो आपने कास्टिक की डोज को कम करना है, अगर ज़्यादा कम आ रही है तो आपने कास्टिक की डोज को ज़्यादा कर देना है। इस तरह से ये सिस्टम होता है। क्यों pH कम क्यों हो जाती है, उसके अंदर से जितने भी कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो पानी के अंदर से जितने भी वो रिमूव हो जाते हैं, तो जिस वजह से क्या होता है, साल्ट्स के साथ साथ पानी के अंदर जो pH होती है वो भी डाउन हो जाती है। अब आपसे वो सवाल कर सकता है कि जो है ना प्रोडक्ट में आप कौन कौन से पैरामीटर चेक करते हैं, ठीक है, RO प्रोडक्ट में आप कौन कौन से, आपने बोलना pH, TDS, ठीक है, और क्लोरीन,
ये तीन बहुत ही मेन पैरामीटर्स हैं। क्लोरीन कहाँ से आएगी? क्लोरीन हम प्रोडक्ट वाटर में फिर डोज करेंगे, उसकी लिमिट कितनी है? 0.3 से 0.7, 0.8, मतलब लेस देन 1 तक आप उसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको फ्री रेजिडुअल क्लोरीन बोलते हैं हम, ठीक है। तो पीएच टीडीएस क्लोरीन, पीएच आपको बता दिया 7.5, 7 से 7.5 आप प्रोडक्ट की पीएच रख सकते हैं, 7 से 8 के दरमियान आप रख सकते हैं। इसी तरह से जो टीडीएस है लेस देन 10 होने चाहिए आपके, ठीक है। वो फिर डिपेंड करता है कि आपने बॉयलर को फीड वाटर देना है या कूलिंग टावर को देना है या कोई ड्रिंकिंग वाटर है, जिस तरह से भी। इसी तरह से जो है ना, जो तीसरी चीज़ है वो आपने क्लोरीन चेक करनी है, क्लोरीन पानी के अंदर है ताकि बाद में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन कहीं पर ना हो। ये तीन पैरामीटर्स हो गए, ये आपने उसे बताना है कि हम ये चेक करते हैं और क्यों चेक करते हैं। बाकी प्री ट्रीटमेंट का मैंने आपको बताया कि प्री ट्रीटमेंट में क्या चीज़ें चेक करते हैं, आपने टीएसएस चेक कर लिए, ठीक है। टीएसएस क्या है? टोटल सस्पेंडेड साल्ट, उसमें आप टर्बिडिटी भी चेक करते हैं, टर्बिडिटी कितनी आ रही है। इसी तरह से आप एसडीआई, सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स, आरओ में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है टीएसएस के लिए वो सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स किया जाता है, और वो लेस देन 3 होना चाहिए आपका, और क्लोरीन जो है वो आपकी लेस देन 1 होनी चाहिए। प्री ट्रीटमेंट का भी आपको पता चल गया, पोस्ट ट्रीटमेंट का भी आपको पता चल गया कि कौन कौन से पैरामीटर बिफोर चेक किए जाते हैं बिफोर आरओ, और कौन से आफ्टर आरओ जो पैरामीटर हैं चेक किए जाते हैं, और उनकी रेंज हमने कितनी रखनी होती है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। तो इसी तरह से वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।